वेस्टइंडीज दौरे पर 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। और 18 सदस्यीय टीम की अगर हम बात करें उसमें अश्विन की 8 महीने के बाद टीम में वापसी हो गई है। कुलदीप यादव भी आ गए हैं और केएल राहुल भी इंजरी से वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक खिलाड़ी को नहीं चुना गया जो कि गायब है इस सीरीज से, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं, वो खिलाड़ी है संजू सैमसन। और इसको लेकर के पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका मानना है कि संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी की जा रही है। दरअसल पूर्व तेज गेंदबाज जोटा गणेश ने एक ट्वीट किया, चयन समिति के द्वारा जब टीम चुन ली गई उसके बाद उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर की वजह से संजू सैमसन को ड्रॉप करना, संजू सैमसन को ना चुनना, ये सैमसन के साथ नाइंसाफी दिखाता है। वो भी तब जब एकमात्र मैच आयरलैंड में आपने उन्हें दिया और उन्होंने 77 रन की शानदार पारी खेली, उसके बावजूद ना उन्हें इंग्लैंड में मौका दिया गया, एक मैच के लिए चुना भी गया तो वहां पर खिलाया नहीं गया, और उसके बाद अब वेस्टइंडीज दौरे पर जब आपके सीनियर प्लेयर विराट कोहली जैसे प्लेयर जब रेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी अगर आप उनको नहीं ले जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि श्रेयस अय्यर की वजह से ही संजू सैमसन को नहीं चुना जा रहा। और डोडा गणेश की अगर माने तो उनका मानना है कि यह साफ तौर पर नाइंसाफी है एक ऐसे प्लेयर के साथ में जो कि अपने करियर में लगातार 3 मैच सिर्फ एक बार ही खेल पाया है, उसके बाद लगातार पैचेस में खेलता रहा है और 13 से लेकर 15 मैचेस ही उसने पूरे अपने करियर में, इतने 7 सालों के करियर में खेला है, यह सरासर नाइंसाफी है उस खिलाड़ी के साथ में। और जैसा कि आप सबने भी देखा ही होगा डोडा गणेश की बात में सच्चाई भी इस बात को लेकर के नजर इसलिए आ रही है क्योंकि इससे पहले भी चेतन शर्मा जो चयन समिति के मुखिया है और कप्तान भारतीय टीम के रोहित शर्मा ने जब संजू सैमसन को टीम में वापसी करवाई थी तब उन्होंने यही कहा था कि ये बैकफुट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर अच्छा करेंगे। तो अचानक से अब जो है ऑस्ट्रेलिया का उनका जो प्लान संजू सैमसन को लेकर के था वो अचानक से खत्म क्यों हो गया, और यही सब लेकर के लगातार डोडा गणेश ने अब ये सवाल उठा दिए हैं कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को टीम में एडजस्ट करने के लिए संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अब देखना यही होगा कि इसका जवाब किस तरीके से आता है। आप क्या सोचते हैं, क्या डोडा गणेश ने जो बात कही है संजू सैमसन को लेकर के कि श्रेयस अय्यर को टीम में एडजस्ट करने के लिए संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी की जा रही है, क्या आप मानते हैं ये बात सच है या नहीं है, आप क्या राय रखते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।